ना बच्चा, स्टार्टिंग विद की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं डीड के अंदर। पहला डेफिनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन। द पार्टनरशिप डीड नॉर्मली जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें उसका नाम लिखा होता है, कहाँ उनका पिछले प्लेस उसका एड्रेस दिया होता है, एक शॉर्ट समरी होती है कि कौन सा काम है। तो पहला डेफिनेशन होता है डीड के अंदर, उसका नाम लिखा होता है, क्या क्या बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, कितनी सैलरी पे हो गया। डीड गिव्स अ फाइनेंशियल डिटेल सच एज कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी हर पार्टनर ने, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी वगैरह हर पार्टनर को कितनी कितनी पे होगी एंड कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। थर्ड अकाउंटिंग, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कैसे अकाउंटिंग होगी, मतलब कैश फ्लो कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह क्या एसेट वगैरह सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। इवन ड्यूटीज पावर एंड ऑब्लीगेशन, द ड्यूटी पावर एंड ऑब्लीगेशन ऑफ ईच पार्टनर दी होती होती है। द डीड में ऑल्सो प्रोवाइड डेजिग्नेट अ पार्टनर एज अ मैनेजिंग पार्टनर। डीड में ये भी लिखा सकता है कि ये पार्टनर कौन होगा, मैनेजिंग पार्टनर होगा जो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये पूछ सकता है आपसे यार की इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। विड्रॉल, द डॉक्यूमेंट डीड में ये भी लिखा सकता है कि अगर कोई वॉलंटरी विड्रॉल करेगा तो पैसे कैसे निकालेगा, डेथ होगा तो पैसे कैसे निकालेगा। इन सच अ केस अकाउंट विल हैव टू बी ड्रॉन अप। अगर ऐसा कभी होता है कि कोई पार्टनर पैसा निकालता है डेथ के टाइम या जब वो हट रहा है, तो हमें उस तारीख तक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन सच अ केस अकाउंट विल हैव टू ड्रॉ, हमें तब तक का अकाउंट बनाना पड़ेगा ये देखने के लिए कितने एसेट्स हैं हमारे पास, कितनी ऑब्लीगेशन है एंड हक कितना हर एक पार्टनर का। एक्सपल्शन, डीड में ये भी लिखा होता है कि अगर एक पार्टनर फर्म के लिए काम नहीं करेगा, फर्म के हित के अगेंस्ट काम करेगा, तो एक्सपेल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जब तक नहीं चाहेंगे उसे हटाया नहीं जा सकता। इफ अ पार्टनर इज प्रोवाइडेड टू बी अ हिंड्रेंस, वो हर्डल है, डिटर्मिनेंट हार्मफुल है बिजनेस के लिए, तो उसके लीगल राइट ख़त्म हो जाएंगे। अदर पार्टनर मस्ट हैव अ मेथड, वो कैसे उसे एक्सपेल करेगा, सब कुछ डीड के अंदर लिखा होता है क्या क्या मेथड होगा उसको बाहर निकाल लेगा। तो डीड में इन सब के बारे में पॉइंट्स हो सकते हैं। पक्का नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। डिसॉल्यूशन वगैरह, पार्टनरशिप डीड शुड ऑल्सो डिस्क्राइब द मेथड बाय विच द पार्टनरशिप एंड बिजनेस डिसॉल्व होगा। डीड में ये भी लिखना चाहिए किस तरीके से पार्टनरशिप या कोई भी उसका बिजनेस ख़त्म होगा इफ डिज़ायर्ड, एंड हाउ द अकाउंट अमंग द पार्टनर शुड बी सेटल्ड एट द टर्मिनेशन। मतलब उसमें ये भी लिखा होगा कि फर्म जब डिसॉल्व होगी तो डीड में कैसे कैसे काम होगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, अकाउंट वगैरह कैसे बनेंगे। कहता है आर्बिट्रेशन, अ पार्टनरशिप डीड मस्ट प्रोवाइड फॉर द मीन्स ऑफ आर्बिट्रेशन, कैसे कोई भी डिस्प्यूट आया तो वो किसके पास जाएगा, आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, लॉयर के पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा। तो उसमें लिखा होना चाहिए कैसे हमारे डिस्प्यूट सॉल्व होंगे। मेन गोल क्या है कि एक्सपेंसिव लॉ के इतने खर्चे ना हो, मतलब सब कुछ डीड में पहले से लिखा हुआ होता है कि सारे काम आपके कहीं ना कहीं आसानी से हो जाए, कल को परेशानी ना हो कि भाई ये काम कैसे होगा। हम बोल देंगे भाई डीड में लिखा हुआ है दो पार्टनर है, चार पार्टनर है, आपको कोई भी अनबन नहीं है, बोलेंगे भाई जैसे डीड में लिखा काम कैसे होगा। पक्का डन, इसलिए डीड बनती है। नेक्स्ट टॉपिक।